हाँ जय हिंद। स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। और सूचना है दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन 21 और 22 को लेकर। यदि आपने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में 21 और 22 के सेशन में अप्लाई किया है एमफिल या पीएचडी में, तो आपके लिए आई है सूचना छोटी सी। सर, 1 से 1.5 मिनट का ये वीडियो है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट की सूचना है ये, ठीक है? और एक ही डिपार्टमेंट की, एक ही डिग्री की सूचना है, तो 1 मिनट आपका लगेगा। सूचना को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और सूचना ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंटरिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, पूरा एक ही डिपार्टमेंट है, जिसको कम शब्दों में हम बोलते हैं DACEE। इस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आया है 3 जनवरी को, और 3 जनवरी की सूचना के अनुसार कुछ बच्चों का चयन हुआ है एमफिल अडल्ट एजुकेशन में। एमफिल अडल्ट एजुकेशन में कुछ बच्चों का चयन हुआ है। वीडियो का 1 मिनट हो चुका है पूरा, 30 सेकंड और हैं। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, उन बच्चों को 5 जनवरी 2022 शाम 3:30 बजे तक अपने कोर्स की फीस सबमिट करनी है, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में जाकर। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके अडल्ट एंड काउंसलिंग एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में। वहां से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद मिलेगी फीस चलान की कॉपी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस सेशन में जाके आपको उसको सबमिट कर देना है 5 जनवरी, जो कि आज ही है, क्योंकि 5 को ही आप वीडियो देख रहे हैं। रात में ही मुझे सूचना मिली लाइव खत्म करने के बाद, और सोचा आपको सूचनाएं दे देता हूं। 16 बच्चों का चयन हुआ है। सीटें तो मालूम नहीं थी इस डिपार्टमेंट में कितनी है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि एमफिल में 16 सीटें थी, ठीक है? और दूसरा, आप अपना एकेडमिक के जो भी डॉक्यूमेंट है साथ लेकर जाएंगे, फोटोकॉपी ओरिजिनल भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी, एडमिट कार्ड भी, और यदि एग्जाम डेट थे तो उसका प्रूफ भी। और यही सूचना थी आपके लिए एमफिल के फाइनल रिजल्ट को लेकर। आपने वीडियो देखी और पसंद की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई और अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।